तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हुए, राहुल गांधी जो है वो लगातार लोगों से मिलते हुए, और चेस्ट आप देखिए, राहुल गांधी जी भले ही जो है वो नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं 56 इंच की, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी की जो चेस्ट है वो आपको नज़र आ रही होगी। फिटनेस जो है वो, आप फिटनेस को देखिए, राहुल गांधी जी 7वें दिन है और 7वें दिन में भी राहुल गांधी जी की फिटनेस जो है वो पूरी तरह से, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, उसमें आप देखिए तस्वीरें, आप फिजिकली 56 होने से, तो जैसे हमारे वहाँ गधे भी 56 के होते हैं माना जाता है, नहीं नहीं उनके लिए मैं किसी के लिए बोलता हूँ, पर वो पशु का अलग होता है, इंसान का अलग होता है, तो ये बात मुझे लगता है ये 56 फिजिकली कोई छोटा, उसका मतलब ये है कि मानो कि कोई फिजिकली छोटा है, विजन 56 इंच का होना चाहिए। एक्चुअली आप कितने दूरदृष्टि रखते हो, आप कितना मतलब बड़ा हृदय रखते हो, तो आपका दिल कितना बड़ा है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिजिकल फिटनेस तो हमारे खाली भाई भी तो बहुत, सबसे खाली भाई जितना तो कोई बड़ा नहीं होगा ना किसी का भी, तो क्या खाली भाई को प्रधानमंत्री बना देंगे हम? तो आई थिंक राहुल जी ये बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि सिर्फ किसी को गाली गलौज हर रोज इल्जाम लगाओ ये वो, वो पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, जैसे भारत जोड़ो की राजनीति उन्होंने कही करी है। भारत यात्रा में लगातार जब केरल में यात्रा प्रवेश की है, तो उसके बाद में लगातार बारिश, फिर चिलचिलाती धूप, इस तरह का मौसम है। राहुल जी कुछ समय के लिए थोड़ा लोगों को विश्राम देने के लिए और अपने को विश्राम देने के लिए रुकते हैं और उसके बाद में फिर चलते हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, आपको दिखाता हूँ मैं तस्वीरें, ज़रा आप देखिए राहुल गांधी जी, आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर राहुल गांधी जी चल रहे हैं। यहाँ से अभी सुबह का ही पड़ाव है और आज 2 बार रुकना पड़ा है, वरना जो सामान्यतः अभी तक यात्रा हमने देखी है, 6 दिनों की जो यात्रा अभी तक पूरी हुई है, उसमें एक ही बार जो है वो तकरीबन रुकते हैं, वैसे किसी से मिलने के लिए रुक गए तो अलग चीज़ है, लेकिन आज थोड़ा सा बारिश फिर से ज़्यादा तेज़ हो गई थी इसलिए रुकना पड़ा। और ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हुए, राहुल गांधी जो है वो लगातार लोगों से मिलते हुए, और चेस्ट आप देखिए, राहुल गांधी जी भले ही जो है वो नरेंद्र मोदी जी दावा करते हैं 56 इंच की, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी की जो चेस्ट है वो आपको नज़र आ रही होगी। फिटनेस जो है वह, फिटनेस को देखिए, राहुल गांधी जी 7वें दिन है और 7वें दिन में भी राहुल गांधी जी की फिटनेस जो है वो पूरी तरह से, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव, उसमें आप देखिए तस्वीरें, थोड़ा सा जो है वो सिक्योरिटी के लिहाज से हमें आगे पीछे होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार आप राहुल जी के साथ में जो है सिक्योरिटी को लेकर के इशू रहता है, आप कंटिन्यू साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन आप देखिए राहुल गांधी लगातार 7वें दिन की इस यात्रा में और बिल्कुल सहज रूप से, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, बिल्कुल सहज रूप से राहुल गांधी चल रहे हैं, बिल्कुल इजीली राहुल गांधी जो है वो चल रहे हैं, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ अपने आप में कह रही है राहुल गांधी जी की, और इसी तरह से लगातार निरंतर जो है वो ये यात्रा पैदल बढ़ रही है आगे। फिटनेस की बात अभी हम कर रहे थे, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज की बात अभी हम कर रहे थे, हम ये बता रहे हैं अभी राहुल गांधी जी के साथ साथ हम चल रहे थे, सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़ा पीछे होना पड़ा हमें, तो बॉडी लैंग्वेज राहुल गांधी की जो हमें देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो 7वें दिन भी बॉडी लैंग्वेज एक फिट नज़र आ रही है, किसी प्रकार का पैरों के अंदर कोई लंगड़ापन या उस तरह से आदमी हो जाता है, जैसे कि लंबी यात्रा चलता है तो छाले वगैरह पैर थोड़ा सा लंगड़ाने लग जाता है। ठीक है, राहुल जी के आपने अभी देखा होगा कि उनके चेहरे की मुस्कुराहट कह रही है कि ये जैसे कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा है, वो इतना सहज रूप से कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, हम तो सिर्फ चल रहे हैं, वो कभी उधर जाना है कभी इधर जाना है, लोगों से इंटरेक्शन करना है, दोपहर में हम सब यात्री तो आराम भी कर सकते हैं, राहुल जी को दोपहर को भी इंटरेक्शन अलग अलग 3-4 ग्रुपों से करना है, तो ये पूरा शेड्यूल बना हुआ, पर वो इतने फिट हैं, वो हमारे बाकी लोगों की तरह नहीं कि फिटनेस के नाम पे कुछ दिन अपना वीडियो डालेंगे और बाद में पता चले कि चलते चलते भी वो गिर जाएंगे, तो ये फिट इंडिया की बात करते हैं वो ऐसे ही, पर राहुल जी तो खुद ऐसे बोलते हैं कि एग्जाम्पल ना लीडर्स है वो हमेशा एग्जाम्पल सेट करता है, तो हमारे लीडर जो है एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, और लगातार आपने देखा होगा कि ये मैं कहता हूँ कि बाकी सब तो चेहर छोड़ो, उनके उसमें लगता ही नहीं है, वो 40 किलोमीटर पर डे भी चलना हो तो राहुल जी के लिए बहुत सहज है। जयराम जी ने यही कहा कि हम लोग, राहुल जी की एक ही शिकायत है कि हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं, हमें रोजाना 25 किलोमीटर कम से कम चलना चाहिए, अभी 20 किलोमीटर हम लोग कर रहे हैं, अभी 2 दिन से वैसे बढ़ गया है धीरे धीरे। देखो हम लोगों ने, क्योंकि राहुल जी तो रोज चलने की उनकी काफ़ी एक और एक प्रैक्टिस भी है, फिजिकल फिटनेस उनकी बहुत है, सभी पदयात्री को
रोज चलने का, सुबह में उठने का, सब पहले से वो आदत नहीं, सबकी अपनी अलग अलग सिस्टम होती थी, तो हमने ग्रेजुअली इंक्रीज करते जा रहे हैं। हमारा 25 किलोमीटर का टारगेट है, वो अब हम आज जैसे अचीव कर लेंगे, आज 25 किलोमीटर का है, आप जानते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में बीजेपी की तरफ से कई बार वो खुद भी जिक्र कर देते हैं, लगातार ये कहा जाता है कि 56 इंच की छाती है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर विजुअल जो है वो राहुल गांधी जी के बहुत वायरल है, जिसमें वो इस तरह से करके जो है चेस्ट को अपना ब्रॉड करके दिखा रहे हैं, और अभी अपने हम लोग भी सुबह कवर कर रहे थे तो हमारे साथ में भी वो हाथ खोलते हुए, चेस्ट को खोलते हुए जो है वो नजर आए। देखिए, अब वो चलते हुए भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपने आप को वार्म अप भी कर लेते हैं। राहुल जी बहुत सारी चीजों में हम लोगों के लिए एक होता है ना कि एक नए नए लक्ष्य बनाते हैं कि भाई आप ये भी कर सकते हो। जैसे अभी हम चाय पे बैठे थे सब लोग, हाँ। तो कम से कम हमारे जो सीनियर लीडर्स थे उनको वो पूरा डाइटरी कैसे होना चाहिए हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ब्रीदिंग बढ़ता है तो क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आई थिंक राहुल जी ये बाकी नेताओं की तरह नहीं है कि सिर्फ किसी को गाली गलौज हर रोज इल्जाम लगाओ ये वो। वो पॉजिटिव राजनीति करना चाहते हैं, जैसे भारत जोड़ो की राजनीति उन्होंने कही करी है, कोई तोड़ने की करता है जोड़ने की। तो हमारे लोगों को भी यही सिखाते हैं कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखोगे तभी हम लोग अच्छा काम कर पाएंगे। मैं फिटनेस की थोड़ा सा जो है वो ज्यादा जोर देकर के बात करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, मैं फिटनेस का थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो केरल की तस्वीर थी या तमिलनाडु की तस्वीर थी जहाँ पर राहुल गांधी जी ने समुद्र में गोता लगाया था और उनके 8-pack abs दिखे थे, तो वो तो क्या लग रहा है कि ये यात्रा अब जो है उनके कुछ 8-pack abs से ऊपर होगा या किस तरह से? देखो, मैं उसको ऐसे नहीं देखता हूँ। हाँ। ये हमारे मीडिया के लोग या हमारे जो दूसरे सोशल, वो सिर्फ शरीर की फिटनेस को देखना चाहते हैं। हाँ। मैं तो राहुल जी की मेंटल फिटनेस को देखता हूँ। हाँ। और वो मानसिक तौर पर इतने वो स्वस्थ है कि देखिए, जो बड़ा लीडर हो, महात्मा गांधी थे, तो जितना लीडर बड़ा हो उसके पास क्षमा करने का, उसका बड़ा सोच होना चाहिए। तो राहुल जी मुझे लगता है फिजिकली तो सबको पता चल गया है, पर एक तरीके से उनकी मानसिक जो एक होते ना कि समग्रता में विजनरी देखना, इतने मजबूत है कि छोटी छोटी चीजों में कुछ फर्क नहीं पड़ता है उनको। तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है कि वो बड़ा सोचते हैं, विजन 56 इंच है या नहीं है। एक्चुअली आप फिजिकली 56 होने से, तो जैसे हमारे वहाँ गधे भी 56 के होते हैं माना जाता है, नहीं उनके लिए, मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ, पर वो पशु का अलग होता है, इंसान का अलग होता है। तो ये बात मुझे लगता है, ये 56 फिजिकली कोई छोटा, उसका मतलब ये है कि मानो कि कोई फिजिकली छोटा है। विजन 56 इंच का होना चाहिए। एक्चुअली आप कितने दूरदृष्टि रखते हो, आप कितना मतलब बड़ा हृदय रखते हो, तो आपका दिल कितना बड़ा है, आपकी सोच कितनी बड़ी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिजिकल फिटनेस तो हमारे खाली भाई भी तो बहुत, सबसे खाली भाई जितना तो कोई बड़ा नहीं होगा ना किसी का भी, तो क्या खाली भाई को प्रधानमंत्री बना देंगे हम? ये देखिए, तो कई सारी चीजें होती हैं और कई सारी चीजों को देखने का अलग अलग नजरिया होता है, और आप देखिए कि केरल के मौसम को भी आप देखिए, इसीलिए फिजिकल फिटनेस की बात जो है वो बहुत जरूरी है। मौसम लगातार रंग बदलता रहता है केरल के अंदर, बारिश, फिर चिलचिलाती धूप, फिर ऐसे ही सुहावना मौसम, तो इस तरह से जब पूरा बदल रहा है और आप इस मौसम के आदि नहीं हैं, जाहिर तौर पर केरला के जो लोग हैं वो इस मौसम के आदि हैं। ये देखिए, आप जरा थोड़ा पीछे होइए, ये देखिए, ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, तो ये यहाँ के मौसम के जो है वो हैबिचुअल हैं। आप और हम लोग जो नॉर्थ इंडियन में अगर बात करेंगे तो वो हैबिचुअल नहीं है, और राहुल गांधी जाहिर तौर पर जो है वो वायनाड से सांसद जरूर हैं, लेकिन दिल्ली जो है उनका ज़्यादातर समय गुजरता है, वायनाड आते रहते हैं, केरल में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी आप केरल के अंदर मौसम जिस तरह से करवट ले रहा है, लगातार बदल रहा है, तो ऐसे में आपको इस यात्रा को लगातार चलना और रोजाना 20-25 किलोमीटर तक अपने यात्रा, अपने जो कार्यकर्ता हैं या अपने जो भारत यात्री हैं उनको मोटिवेट करके रखना एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो बात यहाँ पर कांग्रेस के नेता कह रहे थे, तो जाहिर तौर पर वो बात भी बहुत मायने रखती है कि फिजिकल फिटनेस भी जरूरी है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ में आपका विजन क्या है? क्योंकि राहुल गांधी, इन्होंने अभी जिक्र किया, बड़ा शानदार उदाहरण था वो, कि महात्मा गांधी जी की फिजिकल फिटनेस वो दिखने में जो है वो नहीं थी, हालांकि उनमें स्टेमिना बहुत था, वो लगातार जो है बहुत कई किलोमीटर तक लगातार चलते थे, इसी तरह से चलते थे, यात्रा दांडी मार्च की जाए कही आप, तो अलग अलग आंदोलन उन्होंने किए, तो उनकी जो फिजिकल फिटनेस थी, स्टेमिना उनके अंदर काफ़ी था, विजन ऐसा था कि आज भी महात्मा गांधी जी के जाने के इतने साल बाद में भी न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है, उनके विचारों को जो है वो माना जाता है।
तो बहरहाल कई सारी चीज़ें, कई सारी तस्वीरें इस भारत यात्रा की, और एक तस्वीर ये भी कि फिजिकल फिटनेस राहुल गांधी जी की कैसी है और क्या वो इतने सक्षम है, उनकी फिजिकल फिटनेस इतनी है कि वो इस यात्रा को पूरी कर पाएंगे, वो हमने आपको दिखाई और उनके तमाम नेताओं से पूछ करके बताने की आपको कोशिश की है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर